लोकसभा चुनाव अगले ही महीने आने वाले हैं। आप मतदान देने जा रहे हैं ना? अगर सोच भी रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो आइए एक चाय पे चर्चा सुनते हैं। दीदी, अबकी बार चुनाव में किसे वोट कर रही हो? पागल हो क्या? वोट देने वो भी इतनी धूप में, कोई काम वाम नहीं है क्या? वैसे भी यहाँ से नहीं हूँ, इतना दूर जाना, घर जाना पॉसिबल नहीं है। क्लास वोट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम कर अदा करते हैं तो हमें सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन भैया, क्या कोई ऐसा नेता भी हो सकता है जो हमारी मदद करे और जनता के लिए समर्पित हो? अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को वोट देने से अच्छी सरकार आ जाएगी तो ये गलत है। जब तक सारे लोग मिलकर कोई निर्णय ना लें तब तक वह निर्णय सही नहीं होगा। अगर हम सारे लोग वोट करने नहीं जाते हैं तो सरकार आने के बाद उनके गलतियों पर हमें उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मतदान ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा जनता अपनी आवाज उठा सकती है। मतदान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सदियों के तानाशाही शासन के बाद हमें जनतंत्र मिला है। जनतंत्र एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके साथ हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए खुशियां बन सकते। जिस दिन हम ये सोचने लगे कि हमें मतदान करने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन हमारा देश वापस से उसी तानाशाह का शिकार हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। 5 साल में एक बार जो ये चुनाव आता है, इसके जरिए नेता लोग भी थोड़ा डरे रहते हैं कि हार गए तो, और इसीलिए वो अपना काम पूरे निष्ठा से करने की कोशिश करते रहते हैं। और इन चुनाव के जरिए ही तो हम उन पर पूरा ध्यान रख सकते हैं, उनके किए करे पर नज़र रख सकते हैं। मतदान करना हमारा जनतंत्र अधिकार ही नहीं, हमारा फर्ज है। इस देश के नागरिक होने के नाते मतदान करना हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि कृपया मतदान करने जाइए, चाहे कितने भी आवश्यक काम क्यों ना हो, मतदान को अपनी प्राथमिकता समझिए, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जिससे आप एक अच्छी और सही सरकार चुन सकते। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपना भविष्य और वर्तमान दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं।